कैसा गया पेपर आज का? अरे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जय हिंद ब्लॉग और सुबह के 11 बजने वाले हैं। नोनू का टाइम हो रहा है स्कूल का। फिलहाल सारा काम कर लिया है, चौक में धो दिया है, यानी कि ज़्यादातर सभी काम कर दिया है। छोटी बहन भी लग रही है सुबह से, मम्मी भी अब आराम फरमा रही है, ये देखिए। तो पहले चलते हैं नोनू को लेने, फिर आके नहाते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम देखते हैं क्या करते हैं आज। सीढ़ी अपनी धन्नों पर चलते हैं अपने, अभी चलते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। फ्रेंड्स, नोनू आ गया है स्कूल से, पेपर ख़त्म हो गया। आते कैसा गया पेपर आज का? हाँ तो मजे लेगा पूरे तू। क्या ही है? एक बताओ। ये वो लगाएंगे बर्तन का, वो बर्तन रखने का। देखे फ्रेंड्स, ये रसोई पे मैंने ये लगाई है, इस पर बर्तन का स्टैंड लगाएंगे। ये बारिश की वजह से, सीलन की वजह से यहाँ से ख़राब हो गई ये पुताई, तो फिलहाल ये लगाया है। इसके ऊपर स्टैंड लगा देंगे बर्तनों का, दीवार पे लगा दिया स्टैंड। ये देखिए अच्छा हो गया ना, अब आराम से इस पर बर्तन रखो, बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है मम्मी। तो फ्रेंड्स, बालों में करते हैं कलर, आज कलर भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कलर लगा लिया है नेचुरल, देखते हैं कैसा होता है। गोल्डन देखिए, चलो स्टूल पे चढ़ के लगा रही है, कोई बात नहीं। चलो हम नहा लिए हैं, अब फिलहाल बाजार चलते हैं, थोड़ा सामान सलाते हैं। देखिए पैन सब बर्तन इस पे लग गए हैं, बढ़िया अब अच्छे लग रहे हैं बर्तन रखे हुए। रात का साग बचा हुआ था तो फिलहाल यही खाते हैं, बासी साग बहुत मस्त लगता है फ्राई करके। दोनों खाना खाओ, आइए आप भी खा लीजिए खाना। खाना खा लेते हैं, आज टाइम बहुत हो गया, सुबह से काम में लगे लगे टाइम आएगा ना। बाजार चलते हैं, थोड़ा सामान सलाना है, अंधेरा हो रहा है। देखो मैंने लिया है पापा, गाइस ये देख सकते हैं आप, इतनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। पूरे सजा ये देखो, एक जगह पे बना भी है, यहाँ पे भी है यार। ये देखो गाइस अच्छे अच्छे और फ्रेंड्स, ये रात का नहीं, ये लाइट है, ये लाइट ऐसी आवाज कर रही है। मेरे बाल बढ़ने मिल रहे हैं,
कुछ अदर बैंडेज भाई जी, देखो जाम बाजार से। बाजार बहुत ही रौनक है, बहुत भीड़ भी है। और फिलहाल ये लाया हूँ नोनू के लिए एक बंदूक, अभी चला के दिखाएंगे राइफल। और ये कलर लाया हूँ छोटे बहन के लिए, ले ये वाले मिले हैं कलर मेरी हमारी ताबूक। तो फ्रेंड्स पहले इसे दबाइए, फिर इसे ऐसे करके और इसमें कट की आवाज़ आएगी। फिर इसमें माचिस लेनी है, माचिस में से तिल्ली निकालनी है और इसमें ये यहाँ लगानी है और इसे ऐसे बंद करना है, ऐसे वो माचिस आगे से निकल के बाहर आ जाएगी। और ये रही मेरी पॉप पॉप। तो फ्रेंड्स ये बंदूक में सबसे अच्छी लगी, इससे हाथ भी नहीं जलेंगे और सेफ्टी भी है और प्रदूषण भी नहीं है, बस माचिस की तिल्ली से जल जाती है। मम्मी देखो बंदूक है ना, माचिस की तिल्ली से चल जा। फ्रेंड्स आपने देखा बाजार में बहुत ही भीड़ है, दोनों के लिए फिलहाल यही आइटम लाए हैं। यहाँ पटाखे मिल ही नहीं रहे हैं, कल देखते हैं अगर मिले तो थोड़े बहुत पटाखे लाएंगे। तो फ्रेंड्स आज मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि आज भूख नहीं लगी, आज लेट खाया था तो आज भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी, बस एक सेब खा लिया। और फ्रेंड्स आज जो मुजफ्फरनगर में मौसी के लड़के सचिन भैया हैं तो उनके लड़के का जन्मदिन है पुच्चू का, आपने देखा होगा ब्लॉग में कई बार, तो उसको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो मैं भी उस पर फोटो लगाता हूँ, हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ, तो आप भी हैप्पी बर्थडे बोलिए उसको, कमेंट्स करके ज़रूर हैप्पी बर्थडे बोलना। तो फ्रेंड्स सभी काम हो गए हैं, छोटी बहन अपनी पेंटिंग में लग रही है, खाना सबने खा लिया है, मम्मी भी सो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय 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 बाय। पुच्चो को हमारे सभी की तरफ से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी, बर्थडे हैप्पी बोल दो। हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स पुच्चू को हैप्पी बर्थडे।